प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में पूछताछ के लिए तलब किए जाने से आप आग बबूला है। दरअसल आप नेताओं को अब केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने भाजपा पर आप नेताओं को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। दरअसल आप नेता ने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा पंजाब और दिल्ली में किए जा रहे कामों से डरी हुई है, इसलिए वो आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने और उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आतिशी ने कहा, हर तरफ से जानकारी मिल रही है और खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देगी। भाजपा और प्रधानमंत्री आपको खत्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी कि उनके खिलाफ कोई मामला है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किए जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि ये स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि खबरों के अनुसार केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के सीएम को समन भेजा है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से आपको खत्म किया जाए। वो सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए झूठा मामला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आप नेता संदीप पाठक का कहना है कि ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। जिस तरह से बीजेपी इस प्रक्रिया को अंजाम देने की साजिश कर रही थी, उनका लक्ष्य स्पष्ट है। वो राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह से आपका विस्तार हो रहा है, पीएम मोदी और बीजेपी को साफ हो गया है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को कानूनी तरीके से हराना नामुमकिन है। ये उसकी साजिश का हिस्सा है। इस मिलीभगत से देश को नुकसान है। बीजेपी धीरे धीरे सभी संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है। पीएम मोदी और बीजेपी संदेश दे रहे हैं कि लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन सरकार हम चलाएंगे क्योंकि हमारे पास ताकत है। अंत में सच्चाई की जीत होगी। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। इससे पहले इस मामले के सिलसिले में केजरीवाल को इस साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी तलब किया था। हालांकि पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली एफआईआर में केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया था। कथित शराब घोटाले मामले में राव जबिनी कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत अगले महीने 10 नवंबर तक बढ़ा दी। इस मामले में उन्हें हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। फरवरी 2023 में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब तक समाप्त हो चुकी दिल्ली की नई शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई के अनुसार सिसोदिया ने आपराधिक साजिशों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उक्त साजिशों के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।